बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी हाँ, बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विद्युत कर्मचारियों को अल्टीमेटम भी दिया है, शाम 6 बजे तक काम पर लौटे वरना बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। 27,000 मेगावाट की हमारी उत्पादन क्षमता है। AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी प्रदर्शनकारी विद्युत कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि शाम 6 बजे तक काम पर लौटे वरना बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। वही ऐसे परिस्थिति में अनर्गल मांग ठीक नहीं है। वही AK शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनता ने तकलीफ उठाकर हमारा साथ दिया है। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान विद्युत मंत्री AK शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर शाम 6 बजे तक जो विद्युत कर्मचारी अगर वो काम पर नहीं लौटे तो उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक काम पर लौटे वरना बर्खास्तगी होगी। AK शर्मा ने साफ तौर पर प्रेस वार्ता में ये खुलासा किया है। वही 27,000 मेगावाट की हमारी उत्पादन क्षमता है। वही हड़ताल पर गए बिजली कर्मियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। वही हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए UP पावर कॉर्पोरेशन ने कई संगठनों के 19 पदाधिकारियों को अब पत्र भी भेजा है। कहा है प्रदेश में अस्मा लागू है, ऐसे में हड़ताल या आंदोलन निषिद्ध है। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर आज मंत्री AK शर्मा ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है कि अगर शाम 6 बजे तक काम पर नहीं लौटे तो एक बड़ी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। 27,000 मेगावाट की हमारी उत्पादन क्षमता है, AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान AK शर्मा ने क्या कुछ कहा है। चाहिए लेना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस में FIR के बाद अरेस्ट करने का और 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में रखने का भी प्रावधान है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के खिलाफ FIR हो भी चुके हैं। अभी का जो फिगर है हमारे पास उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे की स्तर पर FIR किए गए हैं। साथ ही जिन नेताओं ने हमने जैसा बताया पीछे के जो सारे बातें जिनके जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके 22 के खिलाफ जो इस्मा लगाया गया है उनमें से कुछ के खिलाफ हमने सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है। बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर में अभी मिल जाएंगे कौन कौन लोग हैं। उसी प्रकार से आउटसोर्स 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और उन्हें लखनऊ से बाहर रखने का भी हमने निर्देश दिया है, उनको अटैच करने का, उसकी कार्रवाई UPPCL कर रहा है। साथ ही मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि जो संविदा कर्मी हैं जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूँ और मैं ये बात 3 दिन पहले इनको वार्निंग दे चुका था। उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ,
उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाज़ा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाज़ा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पर हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में और उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हों तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। उन जगहों को जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है, ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं हम कहेंगे कि हमारी जो ITI। तो अभी आपने सुना कि AK शर्मा ने प्रेस वार्ता में सभी प्रदर्शनकारी विद्युत कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 6 बजे तक उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो उन्हें बर्खास्तगी की मजबूरन कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी हमने प्रेस वार्ता में सुना कि AK शर्मा ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 6 बजे तक धरना खत्म नहीं हुआ तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल कितने विद्युत कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है? देखिए मुस्कान, अब तक कुल 1332 जो विद्युत कर्मी आउटसोर्सिंग पे हैं उनको बर्खास्त किया जा चुका है। और जिस प्रकार से ये तमाम संगठन जो है वो मिलके आंदोलन कर रहे हैं, 72 घंटे की अगर बात की गई थी, 72 घंटे में अगर मांगे नहीं मांगी जाएगी, जो 3 दिसंबर 2022 को समझौते में बात हुई थी, अगर वो नहीं मानी जाएगी तो वो अनिश्चित काल के लिए धरना करेंगे। लेकिन आज ऊर्जा मंत्री ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी जो है चीजों से अवगत कराया, उनकी आवाज से बैठक हुई है। उसके बाद जो है शक्ति भवन में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को ये बताया कि 1332 लोगों को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है और 4 घंटे की मोहलत जो है ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इन सभी आउटसोर्सिंग जो संविदा कर्मी है और विद्युत कर्मचारी उनको दिए कि अगर 6 बजे तक ये लोग अपने काम पे वापस नहीं आते हैं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और मंडलायुक्त को भी उन्होंने निर्देश दिया गया कि वो देखें कि संविदा कर्मी जो भी जो है वो अगर 6 बजे तक अपने काम पे वापस नहीं आते हैं, कुछ 4 घंटे की मोहलत दी गई है उन्हें, तो वो सभी जो है उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाए। बाकायदा सभी प्रदेश के जो DM है, जो मंडलायुक्त है, उनको भी यह दिशा निर्देश दे दिया गया ऊर्जा मंत्री के द्वारा। इसके अलावा जिन जगहों पे बर्खास्त की हो चुकी है वो जगह रिक्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों को पुनः भरने के लिए जो ITI पास जो छात्र हैं, जो पॉलिटेक्निक पास छात्र हैं, जो ऐसे लोगों को अप्रेंटिस कराया जाएगा, उसके बाद उनके काम को देख के, बढ़िया काम को देखते उनको यहाँ पे नियमित जो है तौर पे ज्वाइन करा लिया जाएगा। तो विवेक, सरकार जो है वो प्रदर्शनकारी जो विद्युत कर्मी है उनको बर्खास्त कर सकती है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकती, तो कौन सी ऐसी मांगे जहां पर पेच फंसा हुआ है जो सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए कुल 14 सूत्री मांगे हैं उन बिजली कर्मियों की। इसमें सबसे बड़ी मांगे है कि पहले की तरफ उन्हें जो है वो बोनस दिया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 1,00,000 करोड़ से अधिक घाटे होने के बावजूद जो है 5 सालों में हमने उनको बोनस दिया है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, 14 सूत्री मांगों को लेकर अपने धरने पर बैठे हैं। कुल 21 संगठन मिलकर जो है वो सरकार से अपनी बातें मंगवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। ऊर्जा मंत्री ने माननीय हाईकोर्ट का भी जिक्र किया कि माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है कि ये जो आंदोलन है, ये धरना है, वो गलत है, वो सरासर गलत है, स्ट्राइक गलत है, इस लिहाज से सभी को अपने काम पे वापस आ जाना चाहिए। और तकरीबन कई लोगों पे FIR भी दर्ज हो गई है, 22 लोगों पर ESMA के तहत कार्रवाई भी हुई है और भी लोगों को चिन्हित किए जाने की बात चल रही है। देवरिया का जिक्र करते हुए, आजमगढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन जगहों पे फॉल्ट की व्यवस्था हुई है या लाइन को बाधित कराने की व्यवस्था हुई है उस लोगों को चिन्हित करके FIR दर्ज की गई है, वही बाकी लोगों को भी चिन्हित करने का काम जारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो
ये संपत्ति है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो जनता की संपत्ति है। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सरकार और बिजली कर्मियों के बीच ये द्वंद्व चल रहा है, उसमें जनता जो है बुरी तरीके से पिसती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के कई ग्रामीण इलाके 23 साल बाद विद्युत कर्मचारियों का जो है ये प्रदर्शन हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, बल्कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जब हमने बिजली कर्मियों से बातचीत कल करी थी, जहाँ पे वो आंदोलन कर रहे थे, तो हमने उनसे बारीकियों से जानना चाहा था कि क्या कुछ मांगे हैं। तो उन्होंने बताया था कि 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा एक जो प्रपोजल रखा गया था उनके द्वारा मान लिया गया था, लेकिन जो चेयरमैन है ऊर्जा विभाग के, जो MD है देवराजन, उन्होंने उसके बाद में इस पर विरोध जताया था, जिसके बाद जो है उनका कहना है कि सरकार पहले मांगे, हमारी मांगने के बाद जो है सरकार अब अपनी बात से पलटती हुई दिखी जा सकती है। उनका कहना है कि हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है हम उसी पर टिके हुए हैं। वही सरकार कह रही है कि 1,00,000 करोड़ के घाटे के बाद भी हमने सभी को जो है एक समान बोनस देने का प्रयास किया है, और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, वो हमारे ही अंग है, लेकिन कुछ लोग उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने 4 घंटे की मोहलत दी है और उन्होंने कहा कि हमने कभी भी बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा था, हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इस चीज को नहीं समझ पा रहे, और जहां कहीं भी कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, आदेशों के बाद ही माननीय हाईकोर्ट की अवहेलना की जा रही है, और सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार किया जा रहा है कि आराम से जो है कई सारी चीजें जो है वो करने की बात भी की जा रही है। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सभी विद्युत कर्मचारी है उनको अल्टीमेटम दिया है, तो ऐसे में जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी, क्या वो प्रदर्शन खत्म करेंगे या फिर यूं ही जारी रहेगा? देखिए, देखने वाली बात होगी कि 4 घंटे का अल्टीमेटम जो दे दिया गया है, और सीधे तौर पे कहा गया कि अगर 6 बजे तक जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, अगर वो अपने स्थानों पे, अपनी जगहों पर अपने कार्यभार को नहीं संभालते हैं, तो उन सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि संगठन जो है इसको किस प्रकार से लेता है, और कल भी हाईकोर्ट के आदेश को 24 घंटे ज्यादा हो गए हैं, और लगातार ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश को न मानना, उसकी अवहेलना करना है। इसके बाद लगातार जो है सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन वो बातचीत का कोई भी विकल्प, कोई भी रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं। सरकार आज भी उनसे बातचीत को तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि ये जो कर्मचारी हैं, ये जो संगठन है, जो 21 संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कब तक जो है अपने प्रदर्शन को दोहराते हैं। 72 घंटे की उन्होंने बात की थी, 48 से ज्यादा घंटे बीतने को है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से वो पहले कह रहे थे कि अगर उनकी मांगों को 72 घंटे के अंदर नहीं माना गया तो वो एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन विवेक, जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आम जनता को परेशानी नहीं होगी, लेकिन कई जनपद ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे से लाइट ही नहीं आ रही है, तो ऐसे में आम जनता क्या करे? जी बिल्कुल, आम जनता जो है वो बिजली का बिल देती है, वो उपभोक्ता है, लेकिन इस पसोपस में जो द्वंद्व चल रहा है सरकार और कर्मचारियों का, उसमें आम जनता जो है पिसती हुई देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जो 24 घंटे से ज्यादा जो है वहाँ पे लाइटें नहीं है। लखनऊ के कई से ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे कई फीडर बंद पड़े हुए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा लखनऊ के पौश इलाकों में भी काफी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो द्वंद्व चल रहा है बिजली कर्मचारियों का और सरकार के प्रति, उसमें जनता जो है पिसती रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि कुल 9 संगठन हमारे साथ खड़े हैं और दिन रात जो है वो मेहनत करके बिजली व्यवस्था में व्यवधान आए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो एजेंसियां हैं, खासतौर पर उन्हें NTPC का जिक्र किया कि उत्पादन क्षमता में जो है वो कोई दिक्कत नहीं आने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और तमाम चीजें जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, जिससे जनता को जो है वो नुकसान ना हो, जनता को जो है वो सफर न करना पड़े। बिल्कुल विवेक, ये तो दावा किया जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को परेशानियां ना हो, लेकिन गोंडा का ही एक ऐसी जगह है मनकापुर जहां पे बीते 24 घंटे से लाइट ही नहीं आई है। देखिए, बात सिर्फ गोंडा की नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है। देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ के एक कुछ इलाकों को ले लीजिए, हर जगह इसकी इससे जो आंदोलन है, इससे दिक्कतें देखने को मिल रही है तमाम जगहों पे। खास तौर पर ऊर्जा मंत्री ने जिक्र भी किया कि देवरिया का इलाका और आजमगढ़ का इलाका, जहां पे बिजली आपूर्ति को बकायदा बाधित किया जा रहा किया गया था, उसकी भी जांच बैठा गई है, और जो लोग दोषी हैं बिजली आपूर्ति बाधित करने में उनके खिलाफ FIR करा दी गई है, और जो लोग कर्मचारियों को उकसा रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जो 22 लोग हैं उन पर SMA भी लगा दिया गया है। और इसके बाद
कुल 1332 जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ऊर्जा मंत्री ने यह भी जिक्र किया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी वही हमारे अंग है, इसलिए उनसे वापसी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि 4 घंटे की मोहलत उन्हें और दी जाती है, अगर ये 4 घंटे में वापस नहीं लौटे तो सभी जिलाधिकारियों जो प्रदेश के हैं जो मंडाइल थे वो तुरंत इन पर एक्शन ले। कुल 1332 लोगों को जो है वो हटाया जा चुका है, बर्खास्त कर दिया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर और भी लोगों को बर्खास्त करना हो, चाहे उनकी संख्या हजारों में हो, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि जनता का मामला है, जनता को काफी दिक्कतें उठा रही है। बिल्कुल, यानी कि सरकार 1000 लोगों को बर्खास्त कर देगी, लेकिन जो बिजली कर्मचारी जिनकी मांगों को लेकर वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें बर्खास्त जरूर कर सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार ने सारी चीजें उनकी सुनी है, वो बातचीत का रास्ता खुले होने की बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा होने के बावजूद अब जो वेतन जो बोनस उनको 5 सालों नहीं मिला था वो बोनस उन्हें दिया गया है। बाकायदा घाटे का जिक्र करते हुए, रेवेन्यू का जिक्र करते हुए ये मामला आड़े में आ रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ लोगों पर एक्शन लेने की जो बात कही जा रही है कि जो जिन्होंने बिजली व्यवस्था में व्यवधान डालने का काम किया है, ऐसे लोग चाहे, ऊर्जा मंत्री ने कल भी कहा था और आज भी कहा कि ऐसे लोग चाहे कहीं भी हो, जंगल में हो, अपने घर में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, सबको ढूंढ निकाला जाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो काफी सख्त चेतावनी है ऊर्जा मंत्री के द्वारा कि जिन लोगों ने बिजली व्यवस्था में व्यवधान डालने की कोशिश की है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें फैला रहे हैं, अनर्गल सरकार, इन्होंने ऊर्जा मंत्री साहब तौर पर कहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो अनर्गल हैं, और इस प्रकार से जिन्होंने भी व्यवधान डालने का प्रयास किया उन पर कार्रवाई की जाएगी, और बाकी जो मांगे इनकी हैं वो सभी मांगे जायज नहीं है, वो अनर्गल मांगे हैं। तमाम तरह की बातें कही है, 4 घंटे की मोहलत दी गई है ऊर्जा मंत्री के द्वारा। विवेक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जनता टैक्स देती है, जनता बिजली के बिल देती है, अगर बिजली का बिल देने में 1 दिन की देरी हो जाए तो नोटिस आम जनता को थमा दी जाती है, लेकिन अगर आज ऐसे में अगर प्रदर्शन खत्म नहीं होता है तो आगे सरकार किस तरीके से काम करेगी कि आम जनता को परेशानी ना हो? देखिए, सीधी तौर की बात है कि जनता तो पिछड़ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच जो ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है, ना तो सरकार झुकने को तैयार है ना बिजली कर्मचारी झुकने को तैयार है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बिजली कर्मचारियों ने अपना रुख नहीं बदला है, वो लगातार अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। वही सरकार 1332 से ज्यादा लोगों को जो आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं बिजली विभाग में, ऊर्जा विभाग में, उनको बर्खास्त कर चुकी है, और 4 घंटे की मोहलत के बाद अगर वो लोग अपने काम पे नहीं आते हैं तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे उनका रोजगार छिन जाएगा जो संविदा पे यहाँ काम करते हैं। इसके बाद क्योंकि जनता को दिक्कत हो रही है, कई संगठन ऐसे हैं जो सरकार की मदद कर रहे हैं, ऊर्जा विभाग की मदद कर रहे हैं ताकि बिजली व्यवस्था में व्यवधान ना हो, और तमाम इलाकों में अभी बिजली व्यवस्था पहले की तरह ही आपूर्ति उसकी जारी है। इसको देखते हुए जिस प्रकार की चीजें हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने आज बैठक की, सभी मामलों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, और ये जो मामला है वो इससे आगे न बढ़ पाए, जनता को और ज्यादा परेशानी न उठ पाए, इसलिए सरकार जो है, ऊर्जा मंत्री जो है वो आक्रामक मोड में आ गए हैं, एकदम आक्रामक मोड में आके उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 6 बजे तक जो संविदा कर्मी अगर वो अपनी जगहों पे वापस नहीं आते, अपने कामों में वापस नहीं आते, तो सभी जिलाधिकारियों मंडलायुक्त को यह निर्देशित किया जा रहा है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए, और उनकी जगह पे और भी हायरिंग जो है पॉलिटेक्निक और आईटीआई पास जो टेक्निकल लोग हैं उनकी हायरिंग की जाए। बिल्कुल विवेक, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, अब ये देखने वाली बात होगी कि 6 बजे तक ये हड़ताल खत्म होती है या विद्युत कर्मी अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।